दिल्ली दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज होंगे। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। तो आज दिल्ली दौरे पर है सीएम रावत, पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कर सकते हैं चर्चा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज दौरे पर है, दिल्ली दौरे पर है और पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की बात सामने आ सकती है, आज पीएम से मिलेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, कई चीजें बाहर आ सकती है और कहा यह भी जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा करेंगे उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत आज दिल्ली दौरे में है, आज दिल्ली आकर पीएम से मुलाकात करेंगे। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ पंकज पवार उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे, कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर ये मुलाकात हो सकती है, क्या कुछ अहम मुद्दे होंगे जो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पीएम के सामने रखेंगे, क्या बातें निकलकर सामने आ रही है? देखिए, अगर मुख्यमंत्री की मुलाकात है आज जो पीएम के साथ, कल सुबह जब मुख्यमंत्री दिल्ली गए तो इस बात की गया जरूर लगाए जा रहे थे कि पीएम से मिलने की उनकी बात हो सकती है, लेकिन अब देर रात तक उनका जो कार्यक्रम जो हुआ वो तय हो गया है। आज उनकी पीएम के साथ मुलाकात होने जा रही है और माना जा रहा है कि जो जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होना है उसको लेकर भी वो अपनी बात पीएम के सामने रखेंगे, क्योंकि आलाकमान के सामने अपनी बात रखना और उनकी कंसर्न लेना, बीजेपी पूरी कंसर्न लेना चाहती है और तीन मंत्रिमंडल की कुर्सी खाली है। इसके अलावा वेलनेस अगर कहा जाए तो आयोजन भी है तो अप्रैल माह में, तो उसका भी निमंत्रण प्रधानमंत्री को दिया जाना है और उसको लेकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को उसका निमंत्रण देंगे। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री जो तमाम अपनी योजनाएं हैं केंद्र की और उसका परफॉर्मेंस उत्तराखंड का क्या रहा है उसको लेकर भी अपनी जो पूरी रिपोर्ट होगी वो पीएम के सामने रखेंगे। तो कुल मिलाकर आज के दिन प्रधानमंत्री के सामने पूरा खाता उत्तराखंड का जी। पर आपने कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है, पर पंकज आपसे जानना चाहेंगे, कोई कैसा अहम चेहरा, कोई प्रमुख चेहरा जिसको लेकर बातें चल रही है या बातें सामने आ सकती है? देखिए, आप ये समझिए कि उत्तराखंड में बीजेपी के पास 57 विधायक हैं और 57 में से केवल 6 या 7 को ही मौका मिला हुआ है जी। उसकी वजह से 40 के लगभग ऐसे हैं जिसको जो लगातार लाइन में है या फिर गुटबाजी चल रही है बीजेपी के अंदर भी कि भाई इनको मौका मिलना चाहिए, इनको मौका मिलना चाहिए। कुल मिलाकर बड़ी लंबी फहरिस्त है। अब उनमें से मुन्ना सिंह चौहान है, इसके अलावा बलवंत सिंह खोरियाल हैं जो बड़े वरिष्ठ विधायकों में से एक है, इसके अलावा अगर कहा जाए तो गोपाल सिंह रावत हैं जो गंगोत्री से विधायक हैं। इन तमाम लोगों का नाम चल रहा है और देखना दिलचस्प होगा कि किन किन नामों पर मोहर लगती है, लेकिन प्रमुख रूप से ये माना जा रहा है कि इन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, लेकिन जब तक अपनी बीजेपी में उनकी हमेशा ये होता है जब तक फायदा ना हो जाए और जब तक मोहर ना लग जाए, जब तक घोषणा ना हो जाए तब तक कुछ सर्टेन नहीं होता। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, तो देखना दिलचस्प होगा किन किन चेहरों पे मोहर लग सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी देहरादून में सीए के समर्थन में महारैली करेंगे। सीए को लेकर बीजेपी देहरादून के डोईवाला में एक बड़ी रैली आयोजित कर रही है। इसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता शिरकत करेंगे। तो भाजपा नेताओं का कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून किसी की नागरिकता लेने का नहीं बल्कि देने का काम करेगी। तो सीए को लेकर महारैली होनी है आज, बीजेपी के तमाम बड़े नेता शिरकत करेंगे।